इस जर्नी में पार्टी भी की बहुत। मैंने आपके मुंह से ये सुना आपने ड्रग भी की। यस। ये डार्क पीरियड था या एक्सपेरिमेंटल पीरियड? एंड आई टॉक्ड अबाउट इट ऑन माय ओन शो। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। वाज सो ब्रेव ऑफ यू। आई वाज सो इम्प्रेस्ड हाउ ऑनेस्ट यू वर। या मुझे लगता है कि अब कोई नहीं हो सकता। यू आर एक्सेप्शनल। इफ इट इनफ नहीं हो गया ड्रामा? हो गया। I've used hash a lot all my life. Now, alhamdulillah, I've quit. बात है कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली भागती नहीं है। We should talk about it. Yes. मेरे दो बेटे हैं, वो अभी 10 साल में teenagers हो जाएंगे। वो करेंगे use. आजकल drug dealing हो रही है schools में। इस्लामाबाद में crystal meth is being sold in school campuses and college campuses. So कब बात करेंगे और उसकी क्यों बात नहीं कर रहे? और आप सवाब और गुनाह के तराजू में उसको तोलते रहें। आपकी सोसाइटी में है, आपके माशरे में है। सबसे बड़ी उसकी डिबेट ये है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट हैश एंड मैरिजुआना, कि उससे तो कुछ होता ही नहीं। कुछ नहीं होता। 10-15 साल का एक्सपीरियंस है उस चीज़ के साथ। उसके बारे में सबके सामने ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इसका कोई नुकसान नहीं है ना, तो इसका कतन कोई फ़ायदा भी नहीं। व्हेन यू आर हाई तो इट बिकम्स डैम ईजी टू नॉट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग। ये वो यूज है, ये वो फायदा है जिसके लिए हर बंदा करता है कि इट्स वेरी इजी टू नॉट गिव अ डैम। अब ये सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बट अगर आपको थोड़ा सा इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखें, व्हाट यू रियली आर डूइंग इज यू आर नॉट गिविंग अ डैम अबाउट लाइफ, बिकॉज इट्स इजी। यू आर सिटिंग लाइक दिस एंड यू जस्ट नॉडिंग एंड अनअफेक्टेड। आप स्टोन दो, बड़े चलाक हो, आपने क्यूरिन डाल लिया, आंखें साफ है आपकी, बहुत चलाक है, बट यू आर नॉट देयर। लोग करते ही इसलिए कि मैं अलूफ हूं, डिटैच्ड हूं, मुझे बॉदर नहीं कर रही ये चीजें। अरे भाई, जिस इंसान ने अपने गुस्से को उस पर काम नहीं किया, जिसने अपने गम पे काम नहीं किया, जिसने अपनी खुशी को खुशी के एक्सटेंट में नहीं देखा, तो आपकी ग्रोथ, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल ग्रोथ आपकी, अगर आप 10 साल से पी रहे हैं ना, तो यकीन माने आप उन 10 साल में शायद 1 या 2 साल बड़े हुए हैं, उसके अलावा आप बड़े नहीं हुए। एस्केप है ना, हर वक्त का एस्केप है। आज बॉस से लड़ाई हुई, काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, एक जॉइंट लगाया, सब भुला दिया। भाई वो इंसान ही क्या है जिसने अपने सारे एक्सपीरियंसेस भुला दिए? आपको जब जब कॉन्फ्लिक्ट का एक मोमेंट आएगा, आप क्या करेंगे? आप साइड पे हो जाएंगे और आप जाके एक और जॉइंट लगा लेंगे, अपना सलूशन निकाल लेंगे। छोड़ी कैसे थी? कोल्ड टर्की। कोल्ड टर्की एक दिन सोच रही हूं। या एब्सोल्युटली कोल्ड टर्की। एक दिन मैंने ये सोचा कि मुझे अल्लाह ताला ने वो दे दिया जिसका मुझे ख्वाब था, मेरा प्रोफेशन दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैं बहुत सिंसियर था अपने काम के साथ। अब मैं किस चीज से भाग रहा हूं? अब मैं वो कौन सा सुकून तलाश कर रहा हूं जब मेरी जाहिरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने सब वो दे दिया? And then I started focusing on the fact कि अल्लाह ताला कुछ लोगों से ले के आजमाता है, कुछ को दे के आजमाता है। So अब अगर मैं अपनी इस प्यारी सी जिंदगी, अपने बच्चों के खेलने, अब देखो वही वाली आदत है, हैश ब्रेन था तो बच्चे भी थोड़ा ज़्यादा शोर मचाते थे ना, तो मेरे अंदर से एक वो टेम्परमेंटल सा जानवर निकलता था और कहता था कीप क्वाइट, यू आर गिविंग मी अ हेडेक। उन पर भी चीख लिया, अंदर जाके रोल किया और अपने आप को सुकून दे दिया। When you are continuously using this, तो आपको वो 2 घंटे के लिए तो बड़ा चिल बना देगी, उसके अलावा जो 22 घंटे हैं दिन में, you're always looking for the next session कि यार मैं करूं थोड़ा सुकून आए। So I thought कि यार अब जो है ना, मुझे अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ प्लेट में रख के दिया और अब मुझसे लिटरली वो कह रहा है कि बेटा, now the ball is in your court।